तो आज मैं आपको लेकर आ गया रांची के नंबर वन जैसवाल होटल में, जहाँ पे डेली का बनता है 50 से 60 किलो चंपारण हांडी मटन। इनका हांडी मटन इतना फेमस है कि जो सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स लोग हैं वो भी इनके हांडी मटन के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। तो चलिए चलते हैं इनके हांडी मटन की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो रांची के फेमस हांडी मटन की मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे प्याज काटा जा रहा है, तो 40 से 50 किलो प्याज यहाँ पे फटाफट काटा जाएगा जो कि हमारी हांडी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो हांडी मटन के लिए देख सकते हैं हमारी कितनी सारी हांडी यहाँ पे आ चुकी है। तो भैया टोटल कितनी हांडी लगाई जाएगी यहाँ पे? 50 को 50 हांडी। हाँ तो देख सकते हैं 50 हांडी हमारी यहाँ पे एक साथ रेडी की जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी सारी हांडी यहाँ पे आ चुकी है, टोटल 50 हांडी में यहाँ पे हमारा हांडी मटन लगाया जाएगा। तो हांडी मटन के लिए हमारा साबुत लहसुन यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे हांडी मटन की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 3 लहसुन देख सकते हो एक हांडी में डाले जा रहे हैं। तो भैया एक हांडी में कितना किलो मटन बन जाता है? 1 किलो 1 किलो तो एक हांडी में 1 किलो मटन बनता है। 3 से 4 देख सकते हो यहाँ पे लहसुन डाले जा रहे हैं। तो भैया अभी नेक्स्ट क्या डालेंगे इसके बाद? तेज पत्ता। तो लहसुन हमारा डल चुका है, अब इसमें डाल जाएगा तेज पत्ता। तो एक एक करके देख सकते हो तेज पत्ता को तोड़ के हांडी के अंदर डाला जा रहा है। तो भैया तेज पत्ता डल गया, इसके बाद क्या डालेगा? इसके बाद डालेगा मिर्चा। मिर्चा तो साबुत लाल मिर्च अब इसमें डाली जाएगी। तो हांडी में एक एक करके हमारी लाल मिर्च इसमें डाली जा रही है। एक एक करके देख सकते हो अब इसमें सरसों का तेल डाला जा रहा है। तो इसको पहले ही गर्म कर लिया गया था, आधा घंटा इसको अच्छे से पकाया जाता है, उसके बाद इसमें हांडी में डाला जाता है। हमारा मटन धो के आ चुका है, पतीले में डला रहा है। तो कितना किलो मटन है भैया? ये मटन 35 किलो है। 35 किलो हाँ। तो देख सकते हो 35 किलो हमारा मटन यहाँ पे आ चुका है, पतीले में उसको डाला जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे भैया यहाँ पे? बस पैक करेंगे, बढ़ेंगे माल। अच्छा हांडी में डालेंगे? हाँ। किलो के हिसाब से डालते हैं इसमें? 1 kg मटन, 700 ग्राम प्याज। तो 700 ग्राम हमारा प्याज ले लिया गया है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ में डलती है एक्यूरेट क्वांटिटी में डलती है ताकि जो टेस्ट है एकदम बैलेंस रहे। प्याज डल गया है, लहसुन डल चुका है पिसा हुआ, और ये आ गया मसाले, और यहाँ पे आ गया हमारा मटन। तो 1 किलो मटन को यहाँ पे तोल लिया जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 किलो मटन। तो प्याज के साथ मसालों के साथ हमारे मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। तो आप यहाँ पे जितनी मर्जी बार आओगे आपको टेस्ट हमेशा सेम ही मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ डालते हैं एकदम मेजर करके डालते हैं, मसाले भी अलग से लेके आते हैं ये। तो एक एक करके हमारे यहाँ पे हांडी को भरा जा रहा है, टोटल यहाँ पे 50 हांडी रेडी की जाएगी। तो देख सकते हो फटाफट हमारी कितनी सारी यहाँ पे हांडी रेडी कर दी गई है। तो 40 से 50 हमारी हांडी रेडी की जा रही है, इसके बाद इसको कोयले पे पकाया जाएगा। हांडी मटन के लिए हमारा कोयला आ चुका है, तो कोयले को अब यहाँ पे जलाया जा रहा है, आग लगा दी गई इसमें। तो हमारी यहाँ पे हांडी लग के रेडी हो चुकी है, अब इसको कोयले पे डाला जाएगा। तो एक एक करके देख सकते हो हांडी को यहाँ पे रखा जा रहा है। तो हमारा कोयला देख सकते हो अच्छे से जल चुका है, और इसी कोयले में धीमे धीमे करके फिर हमारे हांडी को रेडी किया जाएगा। तो गर्मा गर्म कोयला रेडी हो चुका है, ऊपर एक एक करके इसको हांडी को रखा जा रहा है। तो देख सकते हो एक एक करके हांडी को रखा जा रहा है, टोटल यहाँ पे अभी 18 हांडी रखी जाएगी। तो देख सकते हो कितनी सारी हांडी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो हांडी को कोयले पे अच्छे से सेट किया जा रहा है ताकि जो मटन है वो अच्छे से पक जाए। तो हांडी हमारी यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुकी है, अब एक एक करके इसको ढका जा रहा है। तो हमारी मटन हांडी को यहाँ पे अच्छे से ढक दिया गया है, अब इसको 1 से 1.5 घंटा अच्छे से यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और आराम से इसमें मटन को पकाया जाएगा। अच्छा जी अपना नाम बता दीजिए। राजेश्वर। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 7 साल हो गए शुरुआत की। तो कैसे सोचा था यहाँ पे झारखंड में हांडी मटन लगाने का? नया आइटम था इसलिए आइटम। हम लोग चंपारण के हैं, मोतिहारी के। तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं रांची में? अच्छा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। बहुत जगह लोग चंपारण का बोर्ड लगा दिया है। अच्छा। हम चंपारण का है, हांडी में बनाता नहीं है, डेक्ची कढ़ाई में बना के डाल देता है। तो देख सकते हो मटन अच्छे से यहाँ पे पकाया जा रहा है कोयले के ऊपर, खोलता हुआ देख सकते हो यहाँ पे आपको मटन दिख जाएगा। और ये देखो लहसुन का पीस। तो भैया अभी इसको कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट। हाँ। तो भैया कौन कौन से पीस रहते हैं इसमें? चाप का पीस है। ये है चाप का पीस, चर्बी वाला है। ये है चर्बी वाला पीस, तो नली लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। तो अंकल जी कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? पकने में पूरा